दानश महेदी प्रोग्राम खुमार शब और अपने प्रोग्राम की दूसरे लिंक में शामिल करेंगे हमेशा की तरह गुल मोहराबाद जो कि शिकस्ता शहर की ज़रिफ रंगीन और शोरीदा दास्तान हैं और जिसके मुसन्फ़ हैं मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर आमिर जाद ख़ान जिनका कलमी नाम है अजह आज हम सफ़र नंबर तिरसठ पर हैं और उनवान है कंटिन्यू शहर शोरीदा लिखते हैं कि गुल मोहराबाद में कीमती बातें फौरी पब्लिक करने के लिए आज के बरस इस जमाने की एप्स जरा मुख्तलिफ थी लेकिन उनकी डाउनलोडिंग की रफ्तार बहाल इसी तरह खातिर खा तेज हुआ करती थी अच्छे जमानों में काका जी फी नानी और अक्का बुआ टाइप की एप्स सिर्फ छतों पर से ही नहीं बल्कि खिड़कियों के पर्दों के पीछे से भी ब्लूटूथ कर लिया करती थी मोहल्ले की बेगबाद पर मुश्तम वाइफ आई वर्क एक मुस्त वाई फाई नेटवर्क होता था आज के वाईफाई के मुकाबले में उन दिनों भी वाइफ आई कभी डाउन नहीं होती थी वाइफ आई तो आज तक कभी डाउन नहीं हुई शहर की निगरानी पर लगी रहती है वैसे भी उस जमाने में हर आए गए पर नजर रखी जाती थी नमाज असर के बाद ख़ास तौर पर क्लोज सर्किट कैमरे एक दूसरे में डेटा ट्रांसफ़र किया करते ये सीसीटीवी कैमरे मोहल्ले के रिटायर्ड बुज़ुर्ग साहिबान हुआ करते थे ये सिलसिला अब भी जारी है अगर आप नौजवान हैं तो गली से गुज़रते कोई बुज़ुर्ग नाबिगा आपको अचानक उलझाने की कोशिश कर सकता है बुज़ुर्ग नाबिगों के सवालत आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ा करते हैं उनकी इब्तदा पढ़ाई लिखाई के हवाले से हो सकती है जान छुड़ाना चाहें तो फौरन उन बुजुर्ग की जी पूछ लिया कीजिए जवाब मिलेगा कि भाई हमारे जमाने में तो सीधी सीधी डिवीजन या फिर ग्रेड दिए जाते थे ओहो ये तो निरी औसत है जीपीए नहीं ये कहकर मौसूफ को जीपीए निकालने के तरीके को पुरसरार बनाकर समझाइए और इसी दौरान आहिस्तगी से जी टी ए वाई सिटी का पूछ लें जवाब में वक्फे का फायदा उठाते हुए ऑनलाइन किताब डाउनलोड करने का तरीका ई वीजे का हसूल हेल्थ की एप्स या दीगर मुतल तो मालूम उन्हें फ्राहम कर दें तो यकी जीरो के मुकाबले में सत्रह गोल से जीत आपकी होगी बुजुर्ग की तरफ से आपकी बातों का एक ही मुतवी जवाब है हमारे जमाने में ये सब खड़ाक नहीं होता था और जिंदगी आसान थी मुस्कुराते हुए किसी जदीद गेम जैसा कॉल ऑफ ड्यूटी पबजी क्रॉस फायर या पैकमैन वगैरह में उनका स्कोर पूछना गोया ताबूत में आखिरी कील ठोंकना साबित होगा उनके साथ बिल मुशाफा चैट रूम छोड़ने क्वाइट से पहले कैंडी क्रश या लूडो स्टार का खामखा जिक्र करना मत भूलें उम्मीद है कि यह नाम सुनकर उनके चेहरे पर एक खिसियानी सी मुस्कुराहट नमूदार हो जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं और किसी दर्जे की लत में सन रसीदा भी मुब्तला हैं और मौलवी साहब की बेबाक निगाह में निकाह भी मशकूक करवा बैठे हैं ये वक्त है कि आप मुस्कुरा दीजिए क्योंकि जितनी जनरल नॉलेज पहले वक्तों में किताबें रट रट कर और इंसाइक्लोपीडिया के सफात रगड़कर हासिल होती थी वो अब आपकी उंगली की पहली पोर पर दस्तियाब है आज की नस्ल ई स्मार्ट है बुजुर्ग नाबगे से इस किस्म के मौजूद पर जज्बाती मुकाल में और आपकी फातिहाना मुस्कुराहट के इस काबिल दीद मंजर को मशहूर शायर काबिल अजमेरी यू बयान कर गए हैं आजाद जज्बात में अगर ये मकाम आया तो क्या करोगे मैं रो रहा हूं तुम हंस रहे हो मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे देखा जाए तो आज लोगों की उमूमी मालूम गुजता जमानों से कहीं ज्यादा वसी और बेहतर है बाकी रही उलझने की आदत तो उम्री है वक्त उसी तेज रफ्तारी से गुजर रहा है जैसे उर्दू फीचर फिल्मों में घड़ी की सुइयां तेजी से घूमती दिखाई जाती हैं और पल भर में जमाना छलांग मार जाता है दिन हफ्ते माहो साल एक के बाद एक शब रोज मौसम बदल रहे हैं कभी गर्मी तो कभी सर्दी और कभी बहार तो कभी खिजा सहूलियात की मौजूदगी और तदरीस में आसानी के बावजूद तरबियत का फुकदान है जहां आमदनी नाजायज हो जराए आमदन कुत खरीद को सहल कर दें तो इज्जत सस्ती और अना सुस्त हो जाया करती है आसान पैसे की फरावानी ने अखदार की गिरावट और मिजाज में मिलावट का तोहफा दिया है रुपए की रेलपेल ने रवैयों को पेहल दिया है जमाने ने अपना ढंग बदल लिया है एक जमाने में जहां शायरी हुआ करती थी और नसरी कलाम पर वाह वाह का शोर उठता था आज गुलमोराबाद की वो गलियां बे पढ़े लिखे सेठों बेईमान मुंशियों आड़तियों और ठग पेशा जायदाद के दलालों से भरी पड़ी हैं बाखरी बैंकर तक मौका मिलने पर इस मौजू पर उन ठगों के खूब लत्ते लिया करते हैं क्योंकि वो इनसे खूब वाकिफ़ हैं बिल्लो के अब्बू शराफत अली का मुशाह है कि नौ दौलतीये जेब के जरीफ मगर फहमीदगी में जयीफ हुआ करते हैं और आपस में हरीफ भी एक से बढ़कर दूसरे की हिरस करने वाले चांदनी खाला औरतों की महफिल में शाकी रहा करती हैं कि अब तो आंख में बाल और बात का लहजा बदल गया है बेनियाज जमाना सारे का सारा बदल गया है बात तो उनकी दुरुस्त ही है ऊपर की आमदनी के तब्दील करदा अंदर के मौसम ने बाहर नाज का अंदाज बदल दिया है अमजद इस्लाम अमजद का शेर है अपनी गली में अपना घर ढूंढते हैं लोग अमजद ये कौन शहर का नक्शा बदल गया है बात चांदनी खाला की हो तो बनाव सिगार पर जरूर पहुंचेगी चांदनी खाला आजकल के ब्यूटी पार्लर के खर्चे से मुतमिन नहीं एक रोज किसी महफिल में उन्होंने अपनी वालिदा के वक्तों की बानों बिल्कीस बतूल और नफसियाओं के सोलह सिंगार के मुताबिक जिक्र छेड़ दिया जो खतान सोलह मराहल तय करके हुसन हुआ करती थी तो बहुत हसीन लगा करती थी आजकल तो एक रकम के एवज क्यूटी क्वीन ब्यूटी पार्लर वाली गुलनाज मिनटों में किसी भी बड़ी बी में से एक गुड़िया निकाल दिया करती है नाम अल्लाह का मोहसिन अजमत जो खैर से अब मौलाना हो चुके हैं की बेगम भी मौजूद थी और गौर से चांदनी खाला की ये गुफ्तु सुन रही थी बेगम नताशा मोहसिन न सिर्फ एक रकम खर्च करके पार्लर से तैयार हुआ करती थी बल्कि उन्होंने मोबाइल ब्यूटी पार्लर के तौर पर एक लड़की से माहिदा भी किया हुआ था फरीदा नाम की लड़की तलब करने पर अपने पर्स में आरइश का सामान रखे चली आया करती है राधा भाभी सरगोशी में बुड़बुड़ाई ये वही बड़ी बिया है ना जो जवानी में क्यूटी क्यूरा के इस्तेमाल से खुद में विक्टोरिया ढूंढा करती थी वैसे क्या हुस्ने इत्फाक है कि बेगम मोहसिन अजमत को उनकी वालिदा ने वो सोलह मरातब याद करवा दिए थे जो सिंगार का मुरक्का है बेगम नताशा मोहसिन ने महफिल की मालूम के लिए सोलह सिंगार के मरातब फर फर तर्तीबवार यूं दोहराए एक मीरदाना यानी खुशबूदार तेल से जिसम की मालिश दूसरा मंगल सनानम जिसका मतलब ताज़ा पानी से गसल और साबुन की जगह दूध रोगन बादाम गुलाब की पत्तियों मरवा सीता चीनी और लोधरा का इस्तेमाल तीसरा बालों पर तेल के बाद सी की लई और नगर मूठ और कचूरे का लेप केस पाश सुगंधी करनम चौथा संदल के बारीक सफूफ का लेप यह फाउंडेशन की फर्स्ट जनरेशन हुआ करता था इंग्रॉक विलेपन पांचवा सुरमे काजल की धारियां काजल रेखा दीपन छठा माथे पर सुर्ख सिंदूर या तलाई बिंदिया तिलक पर साधन सातवां बुरी नजर से बचाव के लिए चेहरे पर मोतियों और जड़ी बूटियों से कशीदा अर्क से नक्शो निगार मुख पर साधन आठवां बालों की जुर्फ और लटों या जूड़े बंद के मुख्तलिफ अंदाज केसपाशी रचना नवा होंठों पर सुर्ख रंग अलकतपश रचना दसवां हाथों को मेहंदिया जेवरात से सजाना हस्त सोशो भीषम पैरों की मेहंदी और पैर की उंगलियों में बछियाए पाद सोशो भीतम बारवा मौके की मुनासिबत से उरूसी या दीगर लिबास जेबितन करना महावस्त्रा प्रेधम तेरा चमेली मोतिये के गजरे बालों गर्दन और कलाई में पूषप धरनम चौदवा मुख्तलिफ जेवरात से जिसम को सजाना अलंकार धरनम पंद्रह मुंह की खुशबू और दांतों के लिए पान मसाग तंबोलम और इलायची चबाना तंबल स्यूनम सोलवा आखिर में आईने के सामने आकर तमाम सिंगार को सर तापा नजर देखना दर पर विकोलन यह बात काफी दिलचस्प है कि सोलह सिंगार की स्थला तो अब भी एक मुस्तमिरल आम है मगर इनकी तफसील में शायद ही किसी को दिलचस्पी हो वैसे भी वक्त के साथ साथ सिंगार इंतहाई आसान होता जा रहा है जो ब्रश और स्प्रे की मदद से फौरी मुकम्मल हो जाता है लेकिन यह जरूर है कि सोलह सिंगार और सोलह जेबाइश दोनों अलग अलग चीजें हैं जिन्हें अक्सर एक ही समझ लिया जाता है बातों बातों में चांदनी खाला ने राधा भाभी को राजदारी से बताया कि इन सोलह के बाद एक सतरवा सिंघार भी होता है वो कौन सा है भाई राधा भाभी दिलचस्पी से गोया हुई बेगम मोहसिन अजमत भी कान लगाए सुन रही थी चांदनी खाला बोली सतरवें सिंघार को शुभ दृष्टि कहा जाता है भाई ये क्या होता है इस दफा बेगम मोहसिन अजमत के लहजे में इश्तियाक से ज्यादा तजसस छलक रहा था होता है होता है सतरवां भी चांदनी खाला ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा थोड़ा सा दाएं किया फिर वापस दोनों मुखातिब खातिन की आंखों में देखा और मौजू में दिलचस्पी पैदा करने के लिए आस्था से कहा बता देंगे आपको शुभ दृष्टि चांदनी खाला का लजाना बतला रहा था कि सतरवा सिंगार शुभ दृष्टि जरूर कोई दिलचस्प अमल है तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं ए मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं मैंने एक रोज़ और भी महफिल में उन्हें देखा है ये जो तेरे नज़र आते हैं ये सब तेरे नहीं ये बाहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग कौन जाने कि ये कब तेरे हैं कब तेरे नहीं और ये तीन खूबसूरत अशार इफतर आरिफ के जो कि मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान साहब ने तहरीर किए हैं और इस तरह से आज उनवान शहर शोरीदा भी मुकम्मल हुआ और हमने सफ़र नंबर अड़सठ को मुकम्मल किया इसी तरह से आपका दिल बहलाते रहेंगे अपने प्रोग्राम के दूसरे लिंक में आपसे मुखातिब होते रहेंगे